Hey, y'all, come look at this. सुना है लिया साहब, कब तक किसी का वोट बैंक बने रहेंगे आप? जवान किसान मुसलमान का लिहाज ना मोदी को है, ना मोदी के दलाल एंकरों को है रूबी का लिहाज। खबरदार, अब बहुत हो गया इलियास शरफुद्दीन, खड़े होकर फौरन यहाँ से चले जाइए। आपको लगता है आप यहाँ कुछ भी बकवास करते रहेंगे और मैं आपको जी क्या करूँ, खड़े होकर ताली बजा दूँ आपके लिए या आप ही की आरती उतार दूँ, क्या करूँ? अद्भुत, क्या लॉजिक है सर, आनंद आ गया। ऐसा है कि आरती उतारने लायक तो आप हो ही नहीं। आपको याद है अखिलेश जी, जब नोटबंदी हुई थी तब आप दिल्ली में थे और चाय पर आपने मोदी जी से चर्चा की थी। उनकी चाय इतनी बकवास चाय है, मैं तो नहीं पी सकता। मुझे मायावती का बयान याद है, तभी आपको बउआ का सिक्योरिटी सिंह लिख रहे हैं, मोमिना तुम्हारी तरह चोर नहीं है। कुछ कह दो मोमिना, ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं। मोमिना नहीं, ये इनकी गलती नहीं है, ये चोर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन्हें चैनल आगे बढ़ाने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि नौकरी तो करनी है भाई। ए, गलत बोल रही हो, मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया है, मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया और हमेशा जो है मुझे कायदे से उन चीजों को रखने के लिए कहा गया है जो फैक्ट्स है। जिस कायदे से रखते हो ना, उस कायदे से पता है क्या होता है, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। अब जैसे अब मैं आपके साथ कुछ टाइम से रह रही हूँ तो मुझे पता है कि आप कैसे हो, क्या है, आपको क्या चीज समझनी चाहिए क्या नहीं। तो बहुत से लोग, मैं खुद कहती हूँ, मेरे हस्बैंड खुद आपको गालियाँ बकते हैं। वाकई आप किसानों की भलाई के लिए भारत बंद में कूद रहे हैं या फिर आपको अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश है, उसकी बुआई हो रही है। देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि मोदी जी और उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं और गोदी जी तो उनके झूठ को साबित करने में लगे रहते हैं। आपको मोदी का कीर्तन करना करते रहिए। थोड़ी मर्यादा रखिए। सुनिए सर, मुझे किसानों का कीर्तन करना है। कुछ भी आप झूठ बोलने कहिए, फिर पढ़ के सुनाओ। मैं आप और रविशंकर प्रसाद दोनों, मैं बता रही हूँ आपको, बरकरार है। एक मोदी जी, इसमें ड्राफ्ट जो मॉडल ड्राफ्ट है वो क्या है? झूठ बोलने की तो मशीन है बीजेपी ने। आप भी उसी को बस वो हुआ हुआ बोले, सब लोग हुआ हुआ बोलना शुरू कर दिए। तो हमसे सवाल करती हो रूबिका जी, तुम क्या कमाल करती हो, तुम रोज लेती हो राहुल की सवालों से तलाशी, तुम्हें कभी सत्ता के गिरेबा में झांका नहीं जाता। 40 किसानों की शहादत हो गई है, 3 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, मजदूरों ने दर बदर की ठोकरें खाई, किसान सड़कों पर फेंक दिए गए, करोड़ों युवा बेरोजगार कर दिए गए, मगर सत्ता से सवाल नहीं करेंगे। सवाल इस बात का है कि आज 30 दिन हो गए, क्या 2 कदम दूर प्रधानमंत्री जी से मिलने नहीं जा सकते थे? नहीं, शर्म कीजिए। नहीं, यहाँ बैठ कर सर्टिफिकेट मत दीजिए मेरे पत्रकारों को, मेरे मित्रों को। मुझे आपका सर्टिफिकेट मनोजीत दादा नहीं लेना है, सिंपल। आपको सर्टिफिकेट क्या देना है? आप मोदी के लिए काम कर रहे हैं, आप मोदी का चैनल चला रही हैं, अडानी के गुलामों के साथ मिली हुई हैं। मैं तो कह रहा हूँ, आप बीजेपी के इस तरह से बिक गए हो आप, मैं ये इल्जाम लगा रहा हूँ आप पर। अरे मेरी ईमानदारी आपकी रूह से ज्यादा पाक और साफ है। क्या बोला तूने? आपकी रूह से ज्यादा पाक और साफ है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप क्यों मानेंगे माथे पर टीका जो लगा दिया उन्होंने, आप क्यों मानेंगे उनकी बात? अगर नहीं नहीं बड़ी दाढ़ी होती तो वो जरूर मान लेते आप। आपकी प्रॉब्लम ये है रशीद साहब, बदतमीजी का क्या मतलब है? वही तो कह रहे हैं, क्यों नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगा। हाँ तो मत मानिए, और मुझे पता है क्यों नहीं मान रहे हैं। मैं अब मुझे पता है क्यों नहीं मानने वाले। सर यहाँ बैठ के धमकाना बंद मत करो। ये तो चिट्ठी है। मुझे गुस्सा आता है, मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर
आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी कि हिंदुस्तान की बच्चियां आजादी से क्यों नहीं घूम पाती हैं। इस मुल्क में वो जब जाती है तो उसे क्यों डर लगता है कि आंखें नोच लेंगी? क्यों? कब तक ये सवाल हम उठाते रहेंगे? और आप लोग प्रज्ञा ठाकुर पर लड़ेंगे, मंदिर और मस्जिद पर लड़ेंगे। रूबी का लियाकत, वो मेरी बहुत फेवरेट है। वो जो हैदराबाद में जो रेप हुआ, आपने शायद वो सबने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था, जो शी वॉज लिटरली क्राइंग कि मेरे माँ बहनों को क्या होता है, ये होता है। आप उनका 200 डिबेट देख लीजिए, एक भी महिला प्रोडक्शन में डिबेट नहीं की है। उनका 200 डिबेट में थे 80 या 100 डिबेट पाकिस्तान का साथ था, उनमें से 50 डिबेट हिंदू मुस्लिम का साथ थे। अरे तो ये नाटकबाजी जो है ना मीडिया में, ये बंद करो यार। जो रूबिका लियाकत जी है वो महिला है, महिला होने का सम्मान है, लेकिन महिला होकर हम जैसी महिलाओं का, हर उस महिला का गला काटेंगी, न्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ जो चीज हो रही है उसके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगी, तो ऐसी महिला का हमेशा बहिष्कार किया जाएगा और ऐसी महिला के खिलाफ आवाज ही उठाई जाएगी।